बायोलॉजी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है, उसके बारे में हम ये देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले, इन दिस मेथड सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, मतलब कि एक ही पेरेंट ये रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, मतलब कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, तो वो ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, मतलब कि वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और एक ही पेरेंट नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, मतलब कि उससे होने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा वो उसका कॉपी होगा। उसका क्या होगा? कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। तो उसको क्या बोला जाएगा? तो क्या वो जीनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होगा? तो देखते हैं। तो इसको बोलेंगे हम क्लॉन। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, इसको बोलेंगे क्लॉन। सच अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जीनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लॉन। इसको बोलेंगे क्लॉन। क्यों? क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली और जीनेटिकली सिमिलर होते हैं। एक पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट होगा, मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी किस तरह से, तो वो जीनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, सो इट कॉल्ड क्लॉन। तो ये डेफिनेशन फिर से एक बार मैं लगाता हूं। सच अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जीनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लॉन। क्लॉन का डेफिनेशन क्या हुआ? Such a group of morphologically and genetically similar individual is called clone. अब asexual reproduction जब भी होगा, तो asexual reproduction occur in unicellular organisms. Generally, asexual reproduction unicellular organisms के अंदर होगा, monads and protists, many plants and simple animals. Many simple plants and simple animals के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में होता है? तो जनरली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर मोनेरस एंड प्रोटिस्ट और मेनी प्लांट्स एंड सिंपल एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और किसके अंदर नहीं होता है, तो वो भी हमें याद रखना है। इट इज एब्सेंट इन वर्टेब्रेट्स एंड हायर इनवर्टेब्रेट्स। ये वर्टेब्रेट्स और हायर इनवर्टेब्रेट्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये भी हमें याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसके अंदर, मतलब कि वर्टेब्रेट्स एंड हायर वर्टेब्रेट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नो, इट्स एब्सेंट, इसके अंदर नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर इनवर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स के अंदर नहीं होता है। तो ये किस तरह की टेक्निक से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहली हमारी टेक्निक है फिशिंग। क्या है? मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। याद रखना, बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं बाइनरी फ्यूजन से, वेयर अ सेल डिवाइड्स, सेल जो होगा वो डिवाइड्स होगा इनटू टू हाफ्स, ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। मतलब के ये बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होते हैं, और वेयर अ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स, जो सेल होगा वो दो आधे हिस्सों में बटेगा और हर एक जो आधा हिस्सा है रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट, मतलब कि वो एक एडल्ट के थ्रू एडल्ट बनेगा। ओके, तो देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे हमें अमीबा का एग्जांपल दिया गया है कि ये अमीबा है। ये अमीबा के अंदर सबसे पहले उसका न्यूक्लियस हम देखेंगे कि ये नॉर्मल है, उससे ये ग्रो करेगा।
उसके बाद उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद वो दोनों अलग होना शुरू करेंगे और उसके अंदर से एक ही सेल के अंदर से दो डॉटर अमीबा बनते हैं। मतलब कि बाइनरी फ्यूजन के थ्रू एक जो अमीबा था, एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, एक जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर से दो डॉटर अमीबा बन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन। तो ये हमें याद रखना है कि भाई सबसे पहले क्या होगा, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू आर ईच रैपिडली ग्रोइंग टू एन एडल्ट। मतलब कि हर एक अब एडल्ट बनेगा और डॉटर अमीबा ग्रो करेंगे और नए अमीबा ग्रो करेंगे, इसी तरह से आगे ये चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा कुछ अलग टॉपिक्स भी हमें देखने हैं कि जो ये अमीबा होता है उसके अंदर कोई भी प्लेन में से ये प्रोसेस हो सकता है, तो इसको सिंपल बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। तो ये किसके अंदर देखने मिलता है? तो अमीबा के अंदर, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, अगर यूग्रिना जो है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन देखने मिलता है, तो एग्जांपल याद रखिए यूग्रिना, यूग्रिना के अंदर कौन सा बाइनरी फ्यूजन देखने मिलेगा? लॉन्गिट्यूडनल। इसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर देखने मिलेगा? तो वो पैरामीशियम और प्लैनेटिया के अंदर देखने मिलता है। तो ये एग्जांपल्स है जो नीट के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल बाइनरी फ्यूजन कोई भी एनी प्लेन के अंदर होगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अंदर होगा तो यूग्लिना, और ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर होगा तो पैरामीशियम और प्लैनेटिया इसके एग्जांपल है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फ्यूजन के बाद बड़ी वो डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।